हालेलुया 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 हबरी बहुलर हबरी कर हबर तम जयम धन्यवादीशु 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 थैंक यू जीसस ग्लोरी 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 जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम धन्यवादीशु 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 थैंक यू जीसस त्रिनाम की महिमा हो त्रिनाम की महिमा हो ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड धन्यवादीशु धन्यवादीशु थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया बारी बाबुलर बारी कर रक्तम जयम धन्यवाद 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 पिता इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर आत्म सुना है दिया एक नया दिन दिखाया जीतों के बीच में तूने हम सबको जीत रखा प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद सरा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझ अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं जितने प्रार्थना को देख रहे पिता प्रार्थना ने भेजे हैं पिता वीडियो को सुन रहे पिता उन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता दिमाग कार्य अगुवाई करने में सहायता कर जहां कार्य करने जाते हैं इनको सफलता प्रदान कर पिता हर एक कार्यों में तुम्हें अगुवाई कर प्रभु जी घर में कार्य करने में सहायता कर ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर आराम सुरक्षा प्रदान कर स्कूल कॉलेज आने में सहायता कर ऑफिस से कार्य करने में सहायता कर और जैसे घर को जाते हैं शाम को ब्लेसिंग के साथ वैसे ही घर को आने पाए यही हम तुझसे प्रार्थना करते हर एक रुका हुआ काम यीशु नासरी के नाम में आज की सुबह पूरी होने पाए पिता यही हम तुझसे प्रार्थना करते प्रार्थना सो धन्यवाद हम प्रार्थना करते पिता उन सर भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह नौकरी खोने जाएंगे पिता वो जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता तो उनको आशीष दे प्रभु जी वो जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं बल्कि तू जहाँ भेजना चाहता है भी तक नाम की महिमा उनके जीवन में उस जगह में प्रकट हो जाए प्रभु जी और जितने सलीक प्रार्थना किए हैं क्रमाए हैं उत्तर है बल्कि दुगनी आशीष दे जा रहा है इसके लिए धन्यवाद जो सका है जो अप्लाई के एग्जाम दिए हैं हर एक को तू सफलता प्रदान कर यही हम तुझसे प्रार्थना करता हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो दारू के आत्माओं में निश्चय के आत्माओं बुरी आत्माओं में अधिकारी के आत्माओं में फंसे हुए हैं हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता हर एक दारू की आत्मा निश्चय की आत्मा बुरी आत्मा टोहिंदी की आत्मा यीशु नासरी के नाम में हम इनके जीवन से घर से हम निकाल फेंकते हैं मैं पियो अगर आप प्रार्थना दूसरे के लिए देख हैं तो उसका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए फोटो पे रखकर प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ आपके प्रार्थना करने के द्वारा विश्वास करने के द्वारा वो व्यक्ति का मन बदल जाएगा मेरे प्रियो बाइबल में हम पाते हैं एक सुबेदार का विश्वास उसका सेवक बीमार था घर में पड़ा हुआ था जब सुबेदार को पता चला कि सेवक मेरे देश में प्रांत मेरे शहर में आ रहे हैं सुबेदार यीशु मसीह के पास गया और कहता है मेरा सेवक बीमार है उसको चंगा कर यीशु मसीह उससे कहता है मैं आकर तेरे घर उसके लिए प्रार्थना करूंगा लेकिन सुबेदार कहता है नहीं प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर के अंदर आकर प्रार्थना करे क्योंकि मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ केवल तू यहीं से मुंह से कह दे तो मेरा जो सेवक घर में पड़ा है वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह ने कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो चुका है और कुछ क्षण बाद उसके पास संदेश आता है तेरा सेवक जो बीमार पड़ा था कई महीनों से कई दिनों से वो चंगा हो चुका है कैसे बीमार जो बीमार है वो उसके पास नहीं आया मेरे पियो उसका मालिक यीशु मसीह के पास आया उसके विश्वास करने के द्वारा उसका सेवक जो घर में पड़ा है वो चंगा हो चुका है तो आप भी विश्वास करने वाले हो जाइए परमेश्वर आपके द्वारा आपके घर के लोगों को आपके बीमारियों जो दूसरे है वो आपके द्वारा उसके में से चंगा हो आप विश्वास करने वाले हो जे मेरे प्रियो आपके द्वारा वो व्यक्ति का मन बदल जाएगा वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करेगा केवल आपके विश्वास करने के अनुसार विश्वास विश्वास और केवल विश्वास हम शक करने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाएं परमेश्वर आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा यह प्रार्थना जिस घर में चेहरे पिता उस घर के चावों तो बांधते हैं जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं उस घर पिता परमेश्वर वचन की शांति वचन का प्रकाश वो जीरा वचन का समर्थ नाम से आज पिता हर एक को हम तेरे नाम से आशीष करते हैं छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता इन सबको आशीष दिया धन्यवाद जो चिंताओं में फंसे हुए हैं बहुत से दबे हैं पिता हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता मैं पियो अपनी चिंता अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह को दीजिए वो आपकी चिंता करते हैं आपकी समस्याओं को लेने के तैयार है आपको बोझों को लेने के तैयार है विश्वास कर उससे प्रार्थना करने वाले हो जाइए उन पक्षियों को देखे ना तो खट्टों पर तो न इकट्ठे करते हैं फिर उसके पिता उनको खिलाता है जिलाता है और सालों साल तक जीत रखता है तो जिस परमेश्वर ने
यहाँ मैं अपने शुरू में बनाया है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करता मेरे पियो, वो आपकी चिंता करता है। विश्वास कर उसे प्रार्थना करने वाले हो जाइए, परमेश्वर आपकी बीमारियों को, आपकी चिंताओं को, आपकी समस्याओं को आपके जीवन से निकाल फेंकने जा रहा है। पिता इन सब की चिंताओं को दूर किया, पिता बोझों को दूर किया, बंद रास्ते को खोला, इनके नया नया मार्ग बना के दिया। इसके लिए धन्यवाद सारा आदर महिमा प्रसन्नित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। हबरी बाहू नराबा रिखराबा रक्तम जयम। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, पिता परमेश्वर जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, उनकी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जिस जगह में रह कार्य करते हो जगह तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, घर में हो चाहे बाहर में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे हॉस्पिटल में, कहीं भी रहकर जॉब करते हो कार्य करते हो पिता, वो सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम चंगाई की घोषणा करते हैं, जो समस्याओं में घिरे हुए पिता, हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से, उनके घर से हम निकाल फेंकते हैं, समस्याओं के रास्ता खोल दिया, नया मार्ग बना दिया पिता। इसके लिए धन्यवाद। हबरी बाहू नराबा रिखराबा रक्तम जयम। ग्लोरी 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 हालेलुया हालेलुया। हबरी बाहू नराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, जो पिता बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, हर जगह थक चुके हैं पिता, परमेश्वर थके माए तेरे पास आए हैं। मैं पियो जो विश्वास के उसके पास आता है वो खाली हाथ नहीं, बल्कि उसके आशीष को प्राप्त करके जाता है। आपका विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। उससे प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों पे चलिए, अपने अपने पापों की क्षमा उससे मांग कर दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। परमेश्वर आपके विश्वास करने की द्वारा आपको आशीष देगा पिता। इन सबको तू आशीष प्रदान किया 2020 में, इसके लिए धन्यवाद। जो भाई बीमार पड़े हैं कई महीनों कई दिनों से पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पियो बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिए, लंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आप बीमारियों को चंगाई देने चाह रहा है, वो आपके साथ है। क्लेम कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आई बीमारी जो आपके जीवन में है वो दुख की नहीं, कष्ट की नहीं, बल्कि वो आपकी भलाई के लिए है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर आप बीमारियों को चंगाई देने जा रहा है। घुटनों पर टेक कर प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगे दोबारा ना करने का उस वादा कीजिए। उसके वचनों पे चलिए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया तो आप निश्चित आशीष चंगाई छुटकारा को प्राप्त करेंगे। हबरी बाहू लराबर खराबर रक्तम जयम। पिता इन सबको हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, इन सबको चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद। जहाँ कहीं भी घर में चाहे बाहर में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके संप्रवाहित हो जाए, इनके हाथ उनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता। इन सबको आशीष दिया। धन्यवाद। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर में चाहो तो बांध दे, जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिमाग कार्य मंगवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं इनको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। बहुत से लोग आज की सुबह जाएंगे हॉस्पिटल बीमारी चेकअप के लिए, हॉस्पिटल जाने से पहले बीमारी शरीर से निकल जाए, हर एक रिपोर्ट तेरे नाम से न माने पाए। प्रार्थना सुन, धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पौत्र आत्मा समर्थ नाम ईश्वर का नाम मांगते सुन, दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन हालेलुया। मैं पियो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए, प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है। और जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को देखते हैं प्रभु उनके जीवन में ही कार्य करता है। हम बिना विश्वास उसकी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते मेरे पियो। अगर हमें उससे आशीष प्राप्त करना है तो हमें इन वचनों पे, प्रार्थना पे हमें विश्वास करना होगा। हालेलुया। हम वचनों पे विश्वास करने वाले हो जाए, वचनों को अपने हृदय में वास करने वाले हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है, इसलिए हम भी इन वचनों को महत्व देने वाले हो जाए। और जो वचन का वीडियो पोस्ट होता है वो आपके आशीष के लिए पोस्ट होता है। वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करेंगे मेरे पियो। और जो वचन का वीडियो पोस्ट होता है उसको देखिए, डायरी में नोट करके रखिए, और उसको समय समय पे उस वचनों को बाइबल से खोलकर अध्ययन कीजिए। प्रभु आपको उसमें आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।